आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा गया है सैंपल पेपर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में सेशन 2021-22 के लिए, तो देखते हैं न्यूमेरिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो न्यूमेरिकल है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो को पूछा गया है। ऊपर लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च, और जो ईयर है वो लिखी है 2014-2015, तो इसने ऊपर आना था, ये नीचे आ गई है पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले दिया है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 14 में दिया है 5000 रुपीज़ का और 15 में दिया है 4000 रुपीज़ का। उसके बाद यह है बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स, तो आपको 7000 के थे, फिर 6000 के दिए हैं। जनरल रिजर्व दिया है 10000, 12000। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 2000-1500। प्रीपेड सैलरीज दी है 500 की और 600 की। गुडविल दी हुई है 8000 and 6000 की। एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दिया हुआ है 15000 का एंड 20000 रुपीज़ का। एंड बैलेंस ऑफ डेटर्स दिए हैं आपको 8000 रुपीज़ के और 7500 रुपीज़ के। तो आपको कहा है कि कैश फ्लो आप कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टॉप में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपसे पूछा हुआ है। फिर आप फॉर्मेट बनाएंगे, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो अमाउंट में आप रुपीज़ का सिंबल जो है ये लगा सकते हैं, रुपीज़ का सिंबल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको फिगर्स दी हुई है, तो जो शुरुआत होगी वो होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। तो ये आपको दिया है 14 में 5000 का एंड 15 में दिया है 4000 रुपीज़ का। तो देखो 14 में जो आपके प्रॉफिट थे वो 5000 रुपीज़ के थे और 15 में कितने हो गए, 4000 के। तो इसका मतलब इस साल आपको लॉस हुआ। तो हम जो हैं शुरुआत करते हैं, तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो ये कैसे निकलेंगे, क्योंकि 4000 में से 5000 को लेस किए तो इस साल जो है माइनस में है, तो हम आगे जो है अमाउंट में लिख देंगे 1000 रुपीज़। तो यहाँ से क्वेश्चन की क्या होगी, ये शुरुआत होगी। अब हम देखेंगे कि जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि ये जो है ये आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट का, तो जो जो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, जैसे हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है गुडविल में ट्रांसफ़र किया है, जो आपका डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है इसमें हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है, इसके साथ साथ जो जनरल रिजर्व है उसमें भी हमने ट्रांसफ़र किया है। तो जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट का हिस्सा इनमें, या तो राइट ऑफ कर देते हैं जैसे गुडविल को, तो प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम। तो हम देखेंगे कि हमारे एक्चुअल कितने प्रॉफिट थे, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फॉर, तो सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र कर दिए जैसे जनरल रिजर्व में, तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अब कितना ट्रांसफ़र हुआ जनरल रिजर्व का, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10000 था हमारा 14 में, 15 में हो गया 12000। तो इसका मतलब जब हम 12 में से 10 को लेस करेंगे तो 2000 का हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इससे प्रॉफिट क्या हो गए थे हमारे, कम। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में फिर बाद में बताएंगे। तो 2000 एक ये हो गया, और सेकंड में हमने जो है डेवलपमेंट जो रिबेट रिजर्व है इसमें भी हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो इसमें देखो पहले हमारे पास था 14 में 15000 एंड फिर था 20000। तो जब हम 20000 में से 15 को लेस करेंगे तो इसका मतलब 5000 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र किया है। तो हम इसको भी लिख लेंगे ट्रांसफ़र टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो 5000 रुपीज़ हो गया। इसके साथ साथ अब एक गुडविल दी हुई है, तो गुडविल आपको पहले पहले जो है दी थी 8000 रुपीज़ की, फिर हो गई 6000 रुपीज़ की। तो ये एसेट्स है, इसका मतलब हमने इसको क्या किया, राइट ऑफ किया। तो राइट ऑफ मतलब जैसे ये भी किससे होती है, प्रॉफिट से। तो जब राइट ऑफ हो तो इससे भी प्रॉफिट में क्या आती है, कमी। तो हम जो है अब इसका अमाउंट लिखेंगे, तो गुडविल राइट ऑफ ऐसा हम लिखेंगे। और कितना अमाउंट है, 8000 था पहले और रह गया 6000 का, इसका मतलब हमारे जो 2000 रुपीज़ के कैश कम हुए हैं। तो ये तीन जो हैं ये आपको दिए थे, तो हम इनको अब ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद तो 5 और +2 +2 ये हो गए 9000, इनको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो अब एडजस्टमेंट करने के बाद जो है हमारे पास 9000 है हम प्लस में और 1000 माइनस में है। तो ये जो हमारे पास आया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेज, तो ये आ गया हमारे पास 8000 रुपीज़। अब हम जो हैं देखेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे ऐड वाले को। तो ऐड जैसे हम कब करेंगे, जब जो
एसेट्स है हमारी, करंट एसेट्स, वो क्या हो रही हो, डिक्रीज। ठीक है, तो हमने देखना कौन कौन सी जो एसेट्स है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे एट डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखते हैं जो हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स हमारी जो है सबसे पहले यहाँ दी हुई है बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल देखो सबसे पहले कितनी थी, 7,000 रुपीज़ की, अब कितनी रह गई, 6,000 रुपीज़ की। तो इसका मतलब 1,000 रुपये जो है कि आई कमी। तो जब भी एसेट्स आपकी कम होती है तो कैश आता है, तो आप लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल्स, और अमाउंट कितना आ गया इसका, अमाउंट आ गया 1,000 रुपीज़। इसके साथ साथ अब जो है, अब हमारे को देखो आगे दिए हैं डेटर्स। तो डेटर्स जो हैं सबसे पहले थे 8,000 रुपीज़ के, फिर कितने रह गए, 7,500 के। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो हमारी करंट एसेट्स है कम हुई है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे डेटर्स के। तो डेटर्स जो हैं अमाउंट कितना आ गया, 500 रुपीज़। तो इनको भी हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो आउटर कॉलम में जब लिखेंगे तो हमारे पास 1,500 जो है आ रहा है। तो जब हम इसमें प्लस करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया 9,500 रुपीज़। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं और हमारे को जैसे क्या दिया हुआ है। तो हमारे को जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो तो इंक्रीज यहाँ पर नहीं हो रही है, तो हम अब देखते हैं करंट एसेट्स को ही। तो करंट एसेट्स हमारे पास देखो एक ही है, प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी कितनी थी, प्रीपेड सैलरी हमारे पास थी 500 की, अब कितनी होगी, 600। इसका मतलब ये हो रही है इंक्रीज, तो हम इनको लेस करेंगे। तो लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे प्रीपेड सैलरी को। तो कितना हमारे पास अमाउंट आ रहा है, 500 और 600 था, तो इसका मतलब 100 इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो यही हमारे को जो है करंट एसेट्स जो है इसमें दी थी। अब हम जो है देखते हैं करंट लाइबिलिटीज को। तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं कम, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। तो ये भी क्या हो जाएंगे, लेस। तो हम हेडिंग डाल देंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और इस हेडिंग में हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो और वो कितना अमाउंट आ गया उसका, 500 रुपीज़। कैसे, क्योंकि 2,000 था और 1,500 लेस किया, तो 500 आ गया। अब ये जो है ये हो जाएगा लेस, तो लेस कितना हो जाएगा, 600। तो जो जो आपने लेस करना होता है उसको आप विदिन ब्रैकेट जो है लिखते हैं। तो 9,500 हमारे पास कैश था और 600 उसमें से हमारे पास चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 8,900 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा आंसर, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।